तो भैया काहे मार रहे हो यार, हमें बताओ तो तुम, वजह तो बताओ तुम, काहे पेड़वा में बांध के हमको मार रहे हो, आखिर क्या वजह हो गई? वजह तो अभी हम बता रहे हैं तुम्हें ससुरी के। हम तुम्हें कल क्या कहे थे, मैच से पहले हम कल कहे थे ना कि तुमको कि तुम सिर्फ 10 रन बना के आउट हो जाना, लेकिन तुमने हमारा कहा नहीं माना। आज उसकी सजा तुम्हें दी जाएगी, बराबर दी जाएगी, ईटा पत्थर से दी जाएगी। क्या सोच के आए थे कि पंतवा तुम्हें बख्श देगा, शाबाशी देगा पंतवा तुम्हें? तुमने पंत के साथ धोखाधड़ी की है, 80 रन बनाया तुमने ससुरी के। ला तो बे पृथ्वी एक मोटा डंडा और ताजा सा डंडा, तो इसे बताएं ससुरी के। अरे पंत भैया गलती हो गई कसम से, अब की छोड़ दो, अगली बार से हम तुम्हारे खिलाफ रन ही नहीं बनाएंगे, हम स्टंप पे बैट मार के चले जाएंगे, जानबूझ कर आउट होके चले जाएंगे, कसम से ऐसी गलती नहीं करेंगे, इस बार छोड़ दो बस। अब ससुरी के तुम्हारी टीम में तो जीत ही गई है, अब क्या गलती मान रहे हो? अब तो तुम्हारी टीम जीत गई, तुम्हें फायदा हो गया, हमारी टीम को तो तुमने हरा दिया 80 रन ठोके। ला बे थोड़ा सा डंडा, एक मोटा डंडा। पंत भैया ये पर ना मोटा डंडा असर ना दे, समझो ये बहुत खतरनाक बंदा, इसको ना हम लाए रहे बिजली का तार, समझो वही बिजली का तार ना इसके पाँव में छुआओ तो इसको मजा आएगा, फिर ये रन कभी नहीं बनाएंगे दिल्ली के खिलाफ, समझे पंत भैया? अरे बाप रे, आज लगता है तुम लोग हमें मार के ही छोड़ोगे। अरे कसम से डंडा से मार लो, लेकिन बिजली का तार मत छुआना, कसम से हम तुम्हें हाथ जोड़ी पंत भैया, बिजली का तार मत छुआना, भले ही तुम डंडा से हमें दिन रात पीट लो, लेकिन बिजली का तार मत छुआना।